नमस्कार दोस्तों, मैं रणवीर सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का इस YouTube चैनल द नवलगढ़ स्टेशन में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है नई दिल्ली से पौंडीचेरी के बीच चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की। और दोस्तों, इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है ललित अग्रवाल ने। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 22404 नई दिल्ली पौंडीचेरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, इस ट्रेन का संचालन उत्तर रेलवे करता है और यह साप्ताहिक सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है जो रविवार को नई दिल्ली से रवाना होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से गुजरती हुई मंगलवार को तमिलनाडु के पौंडीचेरी पहुंचती है। दोस्तों, बात करें अगर इस ट्रेन के ट्रेवल टाइम की, तो यह ट्रेन नई दिल्ली से पौंडीचेरी तक की टोटल डिस्टेंस 2383 किलोमीटर को 42 घंटे और 10 मिनट में तय करती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 57 किलोमीटर प्रति घंटा और वहीं परमिसेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों, इस ट्रेन का 13 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और दोस्तों, इस ट्रेन को गाजियाबाद लोको सेट का वेव 7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नई दिल्ली से पौंडीचेरी तक लेकर जाता है। अगर बात करें दोस्तों इस ट्रेन में कोचेज की, तो इस ट्रेन में आशिया ब्रेक श्रेणी के कोच रहते हैं जिनमें सेकेंड एसी का एक कोच, जिसका नई दिल्ली से पौंडीचेरी तक का किराया 3130 रुपये रहता है। थर्ड एसी के दो कोच जिनका किराया 2125 रुपये रहता है। स्लीपर के 11 कोच जिनका किराया 810 रुपये और जनरल क्लास के 6 कोच जिनका किराया 464 रुपये रहता है। दोस्तों, यह किराया नई दिल्ली से पौंडीचेरी तक का है और इसमें बदलाव हो सकता है, इसलिए दोस्तों अपडेटेड किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर या रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और उन स्टेशनों पर इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों, ट्रेन नंबर 22404 नई दिल्ली पौंडीचेरी सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रविवार को नई दिल्ली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 से रात में 11:45 पर रवाना होती है और यहाँ से रवाना होकर यह ट्रेन पहुँचती है मथुरा जंक्शन रात में 1:28 पर और 2 मिनट ठहराव के बाद 1:30 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टॉपेज आगरा कैंट रात में 2:10 पर और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 2:15 पर आगरा कैंट से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है झांसी जंक्शन। सुबह में 5:45 पर यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 5:55 पर झांसी जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज रहता है भोपाल जंक्शन। 10:55 पर यहाँ पहुँचती है और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 11:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, दोपहर में 1 बजे यह ट्रेन पहुँचती है इटारसी जंक्शन और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 1:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, इटारसी जंक्शन से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचती है नागपुर जंक्शन शाम में 6:20 और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 6:25 में नागपुर जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों, बलारसा जंक्शन पर यह ट्रेन पहुंचती है रात में 10:30 और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 10:35 पर बलारसा जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, यह ट्रेन पहुँचती है अपने अगले स्टॉपेज सिरपुर कागज नगर 11:43 और 1 मिनट ठहरने के बाद 11:44 पर सिरपुर कागज नगर से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुंचती है वारंगल रात में 2:18 पर और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 2:20 पर वारंगल से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, सुबह में 6:25 पर यह ट्रेन पहुंचती है विजयवाड़ा जंक्शन और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद 6:40 पर विजयवाड़ा जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुंचती है गुडूर जंक्शन 11:25 पर और करीबन 5 मिनट ठहरने के बाद 11:30 पर गुडूर जंक्शन से रवाना हो जाती है। दोस्तों, दोपहर में 2:10 पर यह ट्रेन पहुंचती है चेन्नई एगमोर और करीबन 15 मिनट ठहरने के बाद 2:25 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है शाम में 5:03 पर विलुपुरम जंक्शन और करीबन 2 मिनट ठहरने के बाद 5:05 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों, विलुपुरम जंक्शन पे इस ट्रेन का टेक्निकल हाल्ट है और यहाँ पे इस ट्रेन में बुकिंग नहीं की जाती है। इसके बाद दोस्तों, ये ट्रेन पहुँचती है अपने लास्ट स्टॉपेज पौंडीचेरी शाम में 5:55 पे और यहाँ तक 2283 किलोमीटर की यात्रा तय कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी 22404
नई दिल्ली से पौंडीचेरी के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक व शेयर करना न भूलें, और चैनल पे पहली बार आए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।